शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। महाराज भगवान शंकर पर जो बेल की भस्म चढ़ती है, बेल मतलब जो बीला होता है ना, बेल का फल, बेलपत्री का जो फल होता है, तो सूखा हुआ जो फल ले ओ, उसको जला लो, जलाकर उसकी भस्म तैयार करो, उस भस्म को पीस कर छान कर कपड़े में लेकर भगवान शंकर को जो भस्म, यही गुप्त नवरात्र में त्रिपुरा सुंदरी का जिसमें जन्म हुआ है, आज भी कथा माता के जन्म पर नहीं पहुंच पाई है, हो सकता है कल पहुंच जाए, तो इस गुप्त नवरात्र में जो भस्म भगवान शंकर पर समर्पित करता है उस बेल के फल की, और उस भस्म को उठाकर लाता है जिसके शरीर में कहीं खुजली हो जाती है या शरीर में कहीं चट्टे पड़ जाते हैं महाराज, उस भस्म को सरसों के तेल में डालकर, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म को सरसों के तेल में डालकर रख दो, 15 दिन तक रखे रहने के बाद उसको शरीर पर लगाना प्रारंभ करिए, उससे आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। और वो केवल इस गुप्त नवरात्र में होता है, या तो आषाढ़ की गुप्त नवरात्र में कर सकते हो, या फिर ये आप इस माघ महीने की गुप्त नवरात्र में कर सकते हो, दो जगह पर इसका स्मरण कर सकते हो।